गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमारे साथ ये हादसा हो गया कि हम जम्मू नहीं पहुंच पाए, तो जम्मू पहुंचते पहुंचते हम इधर ही लेट हो गए थोड़ा। कल जम्मू हमारे दोस्त के वहाँ नहीं पहुंच पाए, तो हम इसीलिए इधर ही आज हम जल महल के रिजॉर्ट था ऑन द वे पे, तो हम यहीं पे रुके। और जम्मू यहाँ से अभी 102 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो अभी ये हम हाईवे है और सुबह सुबह देखो कितना बारिश हो रहा है आज। कल क्या धूप थी और आज पूरा बारिश है। इवन का आज रात जो शायद है तभी भी पूरा बारिश हो रहा था रात से 1 बजे से। अभी अभी उठे हम लोग और अभी जो टाइम हुआ है, टाइम अपडेट है 7:10, सुबह के 7:10 बज रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह नींद हमने पूरी कर ली है। तो हमारा बाइक भी देखो भीग रहा है वहाँ पे पूरा। सागर फ्रेश हो चुका है अभी, कब से उठा रहा हूँ इसको, उठ ही नहीं रहा था ये, तो अभी जाके उठा है, जाके उठ के अभी फ्रेश हो गया है। ठंड लग रहा था अभी से, ठंड लग रहा है इसको अभी, ठंड लग रहा है इसको अभी, तो मैं बोल रहा हूँ अभी तो और ठंड आना बाकी है, ठीक है। ठंड लग गया रात भर एसी ऑन था। हाँ भाई, हाँ भाई, ये वो बात तो यार, एसी ऑन था, हमने ऑफ भी करना, और उठने की ताकत भी नहीं हो रहा था कि ऑफ करे बोल के रात के बीच में, मतलब सोच रहा था उठ के मतलब ऑफ करो बोल के, लेकिन मतलब उठ ही नहीं जा रहा था। बारिश में जाएंगे, बारिश में अब जाएंगे, देखते हैं थोड़ा वेट करेंगे, 8 बजे तक देखते हैं हम लोग अभी कि बारिश थोड़ा सा कम हो या रुक जाए, तो जो भी है अपडेट देते हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाय और मेरा ब्लैक कॉफ़ी आ चुका है, और थैंक यू सो मच भैया सुबह सुबह चाय देने के लिए और मुझे ब्लैक कॉफ़ी देने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। और कैसा है चाय? चाय में चीनी कम है। चाय में चीनी कम है, एक्चुअली हम चीनी तो हम मेरे में बोला था, मना ही किया था मैंने, उसने चाय में भी कम कर दिया क्या? अच्छा लगा होगा कि मतलब फिट फाट है, डाइटिंग वाले लोग हैं, तो उससे चीनी कम दे दिया क्या? अपने को चीनी कम नहीं जमता है। सो गाइस, यहाँ पे अभी हो रहा है चेन लूप हमारा, और चेन लूप करके निकलेंगे। सागर भाई अभी चेन लूप कर रहा है यहाँ पे अपने बाइक का, और कोशिश करो कि मतलब 500 से 600 किलोमीटर के अंदर में चेन लूप किया जाए। जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आपका बाइक का जो चेन है वो अच्छा रहेगा और आपका राइडिंग भी काफ़ी स्मूथ होगा, ठीक है ना। तो ये सब भी ख्याल रखना पड़ता है जब आप राइड करते हैं हम लोग सब। और मौसम भी अभी अच्छा हो गया, तो मौसम जो है अभी काफ़ी, अभी देखो धूप निकल चुका है, तो थोड़ी देर में हम भी निकल जाएंगे। और एक काफ़ी लेट हो चुके हैं फिर से, लेट मतलब हमारा था कि 8 बजे निकलने का, 8:30 हो गया। तो आज का डेस्टिनेशन ज़्यादा है नहीं वैसे भी, श्रीनगर यहाँ से 200-300 किलोमीटर है। तो लूप करते हैं, पैक पैक करेंगे, फिर निकलेंगे। हो गया, मैं अपना बाइक का कर लेता हूँ, सागर अपना बाइक का कर लिया है, और मैं भी अपना बाइक का फटाफट करते हैं। और ये मोटर का हम चैन ल्यूब यूज़ कर रहे हैं अभी सिर्फ, और क्लीनर यूज़ नहीं कर रहा, क्लीनर आप 1500 किलोमीटर में यूज़ कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चैन ल्यूब हमेशा करते रहना है। हम पूरा गियर अप हो चुके हैं पूरा, तो आज गियर अप में मेरा जो है, क्या क्या आवाज़ है, वाह वाह। और देखो ट्रेन भी जा रहा है, तो यहाँ से वैष्णो देवी मंदिर में काफ़ी पास में, तो ट्रेन से भी जाते हैं लोग। तो मैं बोल रहा था ये एड ऑन हुआ है हमारे अभी गियर पे, एड ऑन मतलब ये सागर भाई ने लेके आया था रेन कवर, बारिश अभी नहीं हो रहा है, तो बीच में सही तरह कहीं पानी वानी होगा, तो ये जो है शूज़ उस तरह वाटरप्रूफ नहीं है मेरा, तो इसलिए ये मैं लगा लिया कि पानी अंदर ना चला जाए, और क्योंकि बाद में जब बारिश हो भी जाए तो रेन जो है वो हम लगा सकते हैं, पर इसको लगाने के लिए तो टाइम लगता है इसीलिए। सो गाइस, कल हम जहाँ यहाँ होटल में रुके थे इसके सामने में ही, ये नदी का नाम है रावी कैनल बोल के है, ये नदी नहीं है एक्चुअली, नदी का ये कैनल है, तो यहाँ से ये जा रहा है, और ये बिल्कुल ये अब जल महल रेस्टोरेंट है उसके पीछे में ही ये कैनल, और वो रोड जा रहा है आई थिंक जम्मू के लिए वो रोड जाएगा। और कल हम वहीं से आए थे रिटर्न, तो देख रहे हो कितना पानी भरा हुआ है पूरा शायद, तो अभी मानसून की वजह से ये पानी ज़्यादा होगा, नहीं तो विंटर में बोलते हैं कि पानी कम ही रहता है वो। तो सागर तो निकले, सागर पूरा वीडियो रील बना रहा है ये, तो इंस्टाग्राम के लिए हो गया रील इसका, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में सागर बाइकर माई बड़ी के नाम बाइकर माई बड़ी के नाम का इसका इंस्टाग्राम है, फॉलो करो, मेरा भी है PMBI KKRAM, ठीक है ना। तो वहाँ पर अच्छे अच्छे फोटो रील्स आपको देखने मिलेगा पूरे लद्दाख के, और ऑल सेट टू गो श्रीनगर, श्रीनगर एंड वहाँ पर एक दिन हम रुकेंगे और एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो फिर, चलो चलते हैं फिर, लेट हो चुका हमारा था, टाइमिंग 8 बजे का था निकलने का, और टाइम हो गया अभी अराउंड आई थिंक 10 बज चुका होगा, 10 बजने के लिए अभी और 10 मिनट है, ठीक है ना। चलो फिर, बाय गाइस, मोटर ब्लॉगिंग में तो पन्नी चला दिया था टैंक के ऊपर,
जो जहाँ से पेट्रोल फिल करते हैं, क्योंकि बारिश मुझे लग रहा था रात को होगा और बारिश हुआ भी, काफ़ी बारिश हुआ रात से। तो ये क्या होता है ना, तो आपका जो बारिश में मतलब पानी अंदर ना चला जाए, इसके सेफ्टी के लिए मैंने ये कवर करा दिया था। तो वैसे आप भी ख्याल रख लेना जब भी अगर बाइक कर रहे हो, क्योंकि पानी अगर अंदर चला गया ना तो पेट्रोल में, तो आपका बाइक जो है मतलब स्टार्ट नहीं हो सकता है, मिसिंग मारेगा। तो गाइस तो चलते हैं अभी और निकलते हैं यहाँ से जय श्री गणेशा के नाम लेके। 1 2 3 यस। आगे देखो गाइस, पहाड़, ग्रीनरी इतना भरा हुआ है। कौन सा ब्रिज है गाइस, कौन सा मुझे नहीं मालूम, सॉरी अगर आपको मालूम है तो कमेंट ऑन कर देना। चेक किया वेदर तो फोरकास्ट बता रहा है कि कहीं के हल्का हल्का बारिश हो सकता है, पर ठीक है, हम उसके लिए पूरे रेडी है, गियर अप है। और आई थिंक यहाँ पे अभी जो है कोविड का आपका RT-PCR तो अभी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डबल डोज हो गए तो वो डबल डोज का सर्टिफिकेट दिखा के भी आप जा सकते हो। अभी हम दिखा देंगे उनको डबल डोज का सर्टिफिकेट यहाँ पे, उसके बाद निकल जाएंगे। सर हो गया, सिर्फ वो सर्टिफिकेट दिखा दें सर, आपको अलाउ कर देंगे यहाँ से। जी गाइस, वेलकम टू JNK, आप सभी का JNK में स्वागत है। तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है JNK, और आज का जो राइड है काफ़ी अच्छा होने वाला है, आशा करते हैं। मेरे ऊपर ट्रेन के फ्लाईओवर का ब्रिज है। ओके गाइस, तो पेट्रोल हो गया भर्ती इसमें, अब हमारा जो है दाना पानी के बारे में सोचना है। इसका तो हमने कर लिया भाई का, ये क्या हो गया भाई, टैंक बैग इतना आगे क्यों आ गया मेरे ऊपर ऐसे, ऑलरेडी पीछे से ब्रेक ने परेशान तो नहीं बोलूँगा, भारी हो गया। और ये क्या हुआ, अच्छा लगा नहीं इसका टैंक, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको। तो ये बैक टू हाईवे गाइस, और अब देखते हैं थोड़ा आगे जाके, आज ब्रेकफास्ट तो नहीं होगा, ये वो बंच ही हो जाएगा हमारा साइज, तो वो करेंगे कुछ। फिलहाल भूख है नहीं, एप्पल खा लिया मैंने सुबह सुबह। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कन्ना ब्रेक पे रुके हुए हैं। या जम्मू कितना दूर है, और जम्मू 13-14 किलोमीटर होगा, 13-14 किलोमीटर नहीं ज़्यादा नहीं जाओ। हाँ, ये कौन सा जगह है? ये सोरठा है। सोरठा, हाँ। श्रीनगर तो ये जगह 432 जम्मू से 432 जम्मू। रोड अच्छे हैं वहाँ पे? हाँ, आजकल रोड अच्छा है, बढ़िया। अब वो रोड नहीं रह गया, आप रोड। हाँ, कैसा है उधर का? ठीक है, ठीक है, आप लगा दिया पूरा। मतलब पंजाब और जम्मू का मतलब गन्ना का अच्छा टेस्ट मिल रहा है कि नहीं? ये हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन टेस्ट ठीक है, अच्छा है, गन्ने का स्वाद अच्छा है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा अपना जो स्पीड है वो मेंटेन करें 80-90 में, क्योंकि मेरा अभी दोस्त ने फ़ोन किया था श्रीनगर से, उसने एक्चुअली बोट हाउस बोट बुक कर दिया है और बोल रहा है कि 6 से ज़्यादा 7 बजे तक आ जाने के लिए, क्योंकि वो उनको छोटे से बोट में वो बोट तक लेके जाना होता है, और हमने ऑलरेडी लेट भी कर दिया निकलने के लिए। तो अभी हम लोग हैं ये श्रीनगर वाले हाईवे पे, और ये जम्मू के बाईपास वाला रोड है, और अंदर आप जाओगे तो जम्मू सिटी आपको पूरा मिलेगा। हमें जाना है श्रीनगर, और ऑलरेडी टाइम हो चुका है 12:04, और हमें जो हमारा मैप है उसके हिसाब से हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 7 बजे लेगा। गर्मी स्टार्ट हो रहा है तो सिग्नल में है। कल हमारी वो गलती की वजह से ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया उससे, हर एक अभी यहाँ पे मिनट हमारे लिए काफ़ी कीमती है। तो ये हरा हरा भरा पहाड़, हरा हरियाली हरियाली है पूरा हमारे चारों तरफ। गाइस बयान नहीं कर सकता शब्दों में जो मतलब रोड है, मतलब जिसने भी ये रोड बनाया उनको भी सबको सल्यूट है, एक नंबर रोड है गाइस। अभी तक काफ़ी स्मूथ राइड है, देख रहे हो ये ऊपर देखो, वहाँ ऊपर जाना है हमें पूरा घूर के, और वो दूर से क्या नज़ारा थे मतलब गाइस। और बन टोल प्लाजा गाइस, तो ये है बन टोल प्लाजा, इसका नाम
बाइकर के लिए एग्जिट है या साइड से या नहीं है। सो गाइस, मेरे जिंदगी का लाइफ का वाला पहला टनल पहाड़ों के अंदर में टनल, माता वैष्णवी देवी आपकी यात्रा सफल करे। तो आई थिंक ये कटरा वाला रोड है, तो जो माता वैष्णो देवी को जाएगा। अब जो है मेरा धीरे धीरे कान भी बंद होने लग रहा है तो हम मुझे महसूस हो रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं। गाइस, ये दूसरा टनल पार करिए, ये तीसरा टनल है मेरा और छोटे छोटे ऐसा टनल है। अरे ये आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है उससे। वाओ गाइस, पहाड़ शुरू होने से पहले हमने स्टार्ट कर दिया अपना मैगी, और दो मैगी हमने मंगाया सागर के लिए और मेरे लिए। तो अभी हम यहाँ पे मैगी खा रहे हैं क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी अच्छी तरह नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास रोड वहाँ पे हाईवे, हाईवे के बाद अभी माउंटेन स्टार्ट हो गया है और ये तो बस शुरुआत है। अभी माउंटेन तो ये सोचो कि मतलब यहाँ पर इतनी खुशी मिल रही है माउंटेन को देख कर, और मतलब क्या होने वाला है। कुछ अलग लैंग्वेज है क्या कि आप हिंदी में बात करते हैं? जम्मू का भाषा है डोगरी, डोगरी है डोगरी भी, प्योर डोगरी हम बोलेंगे। हमें भी नहीं आता प्योर डोगरी क्योंकि हिंदी के साइड कन्वर्ट, हिंदी के साइड कन्वर्ट हुए हम डोगरी कहीं बोलते हैं, प्योर डोगरी बोलते हैं। वो भाषा भी बिल्कुल समझ नहीं आती पर हिंदी के टच में ही है, इस बार डिफरेंट है। हाँ, समझ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं आप कहाँ से आए, डोगरी में है, तू कुदरा आया, अच्छा लगा आपसे बातें होते करके। तो ये नरेश जी थे जहाँ पे हमें इन्होंने मैगी वैगी खिलाया, फर्स्ट टाइम आपने बनाया ना हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ना। अरे हाँ, बैग भूल के जा रहा था, चलिए आते हैं, ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं गाइस हम लोग यहाँ से, तो एक 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया। देख रहे हो मेरे आगे पहाड़ों पहाड़, और पहाड़ों के बीच हम, बस मैं, मेरी बाइक और आप लोग। गाइस मतलब नज़ारे ख़त्म ही नहीं हो रहे, मतलब ऐसा नज़ारे है ना, मतलब खतरनाक वाला भी है और अच्छे वाले भी है। खतरनाक इसलिए है अगर थोड़ी सी भी मतलब आपकी नज़र हटी सीधा दुर्घटना घटी, इसीलिए काफ़ी होशियार से आपको गाड़ी चलानी है। क्योंकि देख रहे हो गाइस मेरे राइट साइड में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़। सो आई थिंक यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ होगा, देख रहे हो गाइस पूरा चट्टाने गिरे हुए और बना रहे हैं यहाँ पे। अरे भैया जी पूरा धूल उड़ाएगा, इससे थोड़ा सा आगे निकल जाए। तो गाइस दो नंबर में गाड़ी खींच रहा हूँ, देख रहे हो कितना स्मूथली और ये जा रहा है गाड़ी भी दो नंबर में भी। ये तब से काला काला धुआं इतना फेंका जा रहा है ये बस, इसको भी निकलना है पहले जल्दी। देखो देखो ऐसे मत करो यार गाइस प्लीज, जा भाई जा जा जा। बाप रे कहाँ से कट किया बस को, देखो भाई प्लीज़ बस में बैठ के ऐसा बोतल मत फेंक दिया करो यार रास्ते में, देख रहे हो यार क्या होता है क्या नहीं होता है। बस में बैठे हैं लोग बोतल फेंक दे रास्ते में। थैंक यू जी, सामने से देख रहे हो गाइस वो बस को भी कहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये लाल बस ने तो अति किया हुआ है, यहाँ पे जो है शायद पूरा रोड का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। और ये राइट साइड तो ये जम्मू सभी नदी है, फुल ऑन एडवेंचर हो रहा है गाइस यहाँ पे। थैंक यू जाने के लिए बोल दी, और बाइक है उसका यही एक फ़ायदा है गाइस, ये खाली हो गया सही बात। वो बस और ट्रक से निकल चुके हैं आगे। ओ भाई साहब बंद करो ग्लास, धूल है धूल है, जैकेट में तो पूरे धूल घुस गए होंगे। नज़ारे देखो, देख रहे हो गाइस चारों तरफ आग, जहाँ भी घूमो 360 डिग्री घुमाने का मन करता, लेकिन नज़ारे देखो पूरी पहाड़ों पहाड़ 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 हर तरफ। क्या हो रहा है, वाह रे वाह वाह रे वाह। देख रहे हो आगे पीछे ट्रक, और ये सामने वाला पी 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 कर रहा है तब से यार, पूरे ट्रकों का लाइन लगा हुआ है देख रहे हो। ओह गाइस हम आ रहे हैं अभी फिर से कोई एक टनल में, काफ़ी बड़ा टनल है ये, 9 किलोमीटर टनल है ये बोलते हैं।
गाइस कभी भी टनल में आप बाइक राइड करो या गाड़ी राइड करोगे प्लीज़ कहीं रोक के ऐसा मत करना, फ़ोटो लेना, वीडियो करना, कुछ करना ऐसा एक्टिविटी। और एक बात गाइस, कभी भी अगर ऐसा आगे ट्रक है अगर आपको दिख रहा है या रास्ते ओवरटेक करके आगे चले जाएंगे उस लेन से, क्योंकि ये सिग्नल लेने, ऐसा भी गलती मत करना, ठीक है ना, वो भी अच्छी बातें नहीं है। सो गाइस, सो हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है केनानी नर्सरी टनल, जो कि 9 किलोमीटर का है और एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है शायद मेरे ख्याल में, या सेकेंड होगा आफ्टर अटल टनल के बाद। माइट बी कन्फ्यूज गाइस, मुझे अगर करेक्ट रॉन्ग है तो करेक्टली कर देना कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो अटल टनल पहला होगा या सेकेंड होगा, ये पहला होगा नहीं पता, ठीक। और कैसा रहा एक्सपीरियंस सागर? ऑन द टॉप, अभी तो टॉप ही नहीं पहुंचे, अभी पहुंचना है। फर्स्ट टाइम हमारा ये टनल का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम है और काफ़ी मस्त था ये, मतलब बेस्ट था। और 9 किलोमीटर मतलब 9 किलोमीटर एंड ग्रेट सल्यूट एवरीवन जिसने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, हमारे इंजीनियर, हमारे लेबर्स, गवर्नमेंट, सबको। गंगमपुर के बाद थोड़ा रोड काफ़ी ख़राब था क्योंकि शायद लैंडस्लाइड की वजह से होगा, और अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरा बाइक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है सीरियसली, मतलब कोई ऐसा मतलब मुझे नहीं लगा। और अभी आगे काफ़ी बहुत एडवेंचर बाकी है, आज ये भी काफ़ी खुश है मेरे साथ कि मतलब असली मज़ा तो अब आ रहा है इसको भी शायद, जिसके लिए बना है। सो नज़ारे देख रहे हो कैसे आगे, देख रहे हो, मज़ा आ रहा है सीरियसली, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। और लग रहा है ये अभी अभी लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ होगा, अभी काफ़ी पुराना हुआ होगा, पुराना मतलब दिन हो गए होंगे, और लैंडस्लाइड रियली बहुत हुए हैं राइड रियली, अब काफ़ी टफ है गाइस पहाड़ों की मतलब लाइफ भी इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मज़ा आ रहा है गाइस, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ले जा रहा हूँ, ले जो नज़ारे है, ये जो एक्सपीरियंस है, मैं मतलब अपने आप में मतलब सपने को पूरा होते हुए मैं सोच रहा हूँ, इन वादियों में टकरा गए हैं, सही में हम टकरा गए हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतनी जल्दी और इतनी बेवकूफ़ी कैसे करते हैं, कैसे गाइस, लिटरली मेरा राइट साइड में नज़ारे फील्स, मतलब अंदर से मेरा गाइस कुछ बोला भी नहीं जा रहा ये देख के तो। और रियली गाइस बाइक में ना ये नज़ारे का जो फील है ना, वो मेरे को नहीं लगता कि वो कार में आने वाले, कसम से बोलता हूँ, मैंने कार में एक बस में फील लिया हुआ है, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो अंदर से जो बाइक में आ रहा है बाइक, इसलिए तो मैं डेस्परेटली मतलब आना चाहता था ये, और ये सर्किट करना चाहता था ले लद्दाख। जस्ट लिटरली वाओ, जीवन ही तो असली कमाई है, सुरक्षा से ही रहे, बात तो सही है गाइस, जीवन ही असली कमाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो इस जीवन को अच्छी तरह से ही चलाएं। अब मतलब अंदर से डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना है, सुरक्षित से चलाना है, मतलब देख के सुरक्षित कार्य करने वाले प्रयास, तभी जीवन का होगा विकास। बहुत खूब, और ये ट्रकों के लाइन लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, चेक इन है कि क्या है, अपने पास तो बाइक है, निकल जा रहे हैं। और मैं बोला ना फ़ायदा है अपने पास, काफ़ी फ़ायदा ही है बाइक होने का, नज़ारों के साथ साथ में ना ये सब बहुत फ़ायदा है। ओ तेरी कितने लंबी लाइन है भाई, लगा साइड दे देता हूँ इनको भी जल्दी जाके आगे थोड़ा। फिर से जाम, कोई बात नहीं, अपने पास है, अपने पास राका है, वो देख लेगा सब कुछ। आई थिंक ये कन्वे आ रहा है आर्मी वालों के, उनको साइड तो बनता है उनके लिए यार। तेरी ओ भाई साहब जी, ओ भाई साहब, हम तो निकल पड़े राका, थैंक यू सो मच। तो ये अभी जो है ये नदी का नाम है चंद्रभागा नदी गाइस, और ये जाम लगा हुआ है काफ़ी लंबा, तो थोड़े थोड़े निकल गए तो सोचे थोड़ा सा देख लेता हूँ नज़ारे का कुछ। और चंद्रभागा नदी, और ये राइट मेरे, अगर आप जम्मू वाले रोड से कर रहे हो गाइस ले लद्दाख, तो प्लीज़ जम्मू से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना श्रीनगर के लिए। पहाड़ों वाला जो रोड कंस्ट्रक्शन, मज़ा किया जितने अच्छा लगा था, वो सब गया लग रहा है, एनर्जी है अभी भी पूरा है गाइस,
एंड स्टिल लगे हुए हैं। हाथों में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है शायद एक्सीलेटर और ये ब्रेक को दबा के, पर ठीक है आदत सा हो जाऊंगा और एक दिन में, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद राइड कर रहा हूँ इतना लंबा, तो इसीलिए हो सकता है। हम वहाँ से आए गए, वहाँ से एक पहाड़ से नाम के ख़त्म, अब दूसरी पहाड़ पे चढ़ रहे हम लोग। आए यही है पहाड़ों की ज़िंदगी, पहाड़ों पे जाम, पहाड़ों की नमाई, पहाड़ों पे उतार चढ़ाव सब देख रहे हैं हम। हो भाई साहब फिर से जाम, सो मुझे लगा अब तो नहीं होगा शायद, सिंगल वे हो गया होगा, अब जाम नहीं मिलेगी, तो अभी जाम मिल गया है गाइस। पता नहीं किस चीज़ का जाम है घूमने के लिए। अच्छा ये ट्रक फंस गया है इसीलिए ना, बाइक का यही फायदा है। चलो इसी के साथ अब रास्ता भी खाली मिल जाएगा। वाकई में बहुत ख़तरनाक है गाइस, इसलिए ध्यान से चलाना जब भी आप राइड करते हो टू व्हीलर से या कार। ये हैं पहाड़ों के घोड़े, पहाड़ों के घोड़े भी देख लिए, ये है आ रहे, ये है पहाड़ों की भेड़ बकरी। और कहाँ चल दिए, घूम के आ गए, शाम हो गया, चढ़ के आ गया जंगलों से। चलो 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 घर चलो, धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ। लिटरली गाइस लिटरली जो मज़ा आ रहा ना ये पहाड़ों की पानी में मुंह धोकर और हाथ धोकर, इतना प्योर लग रहा है सच में, ठंड सा और नेचर का जो क्लीन बोलते हैं ना वो है इसमें। सीरियसली गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है सीरियसली, इस पानी ने पूरा फ्रेशनेस कर दिया, जो थकान तो था नहीं वैसे, काफ़ी मज़ा था और जो ये मज़ा है दो गुना कर दिया इस पानी ने सीरियसली। सो अभी हम लोग थोड़े से इन वादियों का नज़ारा का जो है लोग दिखा रहे थे। ओके गाइस तो ये नज़ारे कुछ इस तरह से, ये वादियों देख लो क्या खूबसूरत वादियाँ है, देख रहे हो, यही एक्चुअली खासियत है श्रीनगर की, चाहते हुए आपको दिखने मिलेगा। मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया, दिल को जितना खुशी हुआ ना नहीं बता सकते वैसे तो, आप आओगे अपनी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा, लेकिन आपको भी हम दिखा रहे हैं इस नज़ारे की। देखो तो यहाँ पे आपको मंदिर भी मिल जाएगा, टनल है, वहाँ पुजारी जी बैठे थे, और काफ़ी पुरानी मंदिर है ये, शिव की मंदिर है, शिव जी का। और ऑन द वे में ऑफ द वर्ल्ड एकदम भाई, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये तो, और भी जाना है और अच्छी तरह जाना है और सलाह है, सब कुछ करेंगे, मतलब ट्रक लोगों का जाम मिल गया बस बहुत, बाकी तो वैसे हमारे बाइक के लिए कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम तो निकालते गए लेकिन थोड़ा बहुत था, लेकिन मस्त आज जो एडवेंचर हुआ है नेक्स्ट लेवल एडवेंचर का सीरियसली, मतलब बोलते हैं ना जो पहाड़ों का जो मज़ा है मतलब वो मतलब आज हुआ है, क्यों अभी और भी होना बाकी है आगे, आगे। ये तो जस्ट ट्रेलर है, ट्रेलर बात है ये तो, अभी तो बाकी मजा तो आना बाकी, अभी बाकी है दोस्तों, तो चैनल में बने रहो दोस्तों, इनको फॉलो करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये नदी कौन सा है, ये इसको बोलते हैं बिस्लड़ी, बिस्लड़ी। सो ये बिस्लड़ी नदी है जो ये दो पहाड़ों के बीच से जा रही है, ये नदी जो है कहाँ पे मिलती है, ये चनाब में, रावण चनाब में मिलेगी, जनाब चनाब है ना, रावण चनाब में, रावण में मिलती है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, और ये कहाँ जा रही है अभी ये नदी, उसी बेटा चौक, उसी में उसी में जाके तो ठीक है। अच्छा अच्छा खूनी नाला, खूनी नाला, खूनी नाला ना, अच्छा ये खूनी नाला है, ओ सही, हाँ सुने थे सुना था हम खूनी नाला। तो गाइस हम फाइनली अभी हमें खूनी नाला पे, ये क्या डेस्टिनेशन बता रहा है गाइस, अभी हम लोग हैं बनियाल में और ये मेरे पीछे स्टेशन रोड और ये चौक है, और अभी मैं सागर के लिए वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे सागर कहीं पीछे रह गया, तो सागर आएगा तो उसके बाद, और यहाँ से अभी ये फोर लाइन है, अभी यहाँ से ये फोर लाइन है, यहाँ से आप कोई टेंशन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, आप खाली है। चलो ये सच्ची बात सुन के अच्छा लगा, तो अब यहाँ से यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर आगे टनल है, हाँ हाँ बड़ा टनल, हाँ क्या नाम है टनल का, अभी नया ही है फोर वे टंडम बोलते हैं, अच्छा क्या नाम, फोर वे टंडम, 2-2.5 किलोमीटर आप जब मिलेगा बड़ा उठ के जाएगा, सीधा टंडल आता है।
आपका नाम? आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। आप कैसे हो? तो ये टोल गेट है, बाइक के लिए फ्री है गाइस। ओके भाई लोग, सागर मिल चुका है, सागर आ गया। तो उसने मम्मी को भी फ़ोन कर दिया, और मेरा जो नया पोस्टपेड का नंबर है उसको मैंने एक्चुअली कॉल किया था सर, उसने सेव नहीं किया होगा, उसको पता भी नहीं लगा, तो उसने उसको पता नहीं चला। तो मैंने फिर दोबारा उसको फ़ोन किया, उसको वो भी नहीं मिल चला। ठीक है, जो भी है, मैंने फिर उसको बात हुआ, फिर उसके बाद मैंने उसको लोकेशन शेयर कर दिया। वो एक्चुअली ऊपर चला गया था गाइस। तो फिर उसके बाद वहाँ से देखा भी अच्छा रोड दिख रहा है, फिर वो मेरा लोकेशन फिर ट्रैक करके फिर आया। एनीवेज गाइस, तो अभी हम लोग है 4 लेन हाईवे पे अभी। हाँ जी गाइस, लोग आप सभी का स्वागत है इस नए टनल पे जिनका नाम है नवयुगा। नवयुगा ऑर्गेनाइजेशन ने उनका दिया है। 9.45 किलोमीटर है वो जो टनल है, और अभी तक का सबसे बड़ा टनल बोल रहे हैं ये वाला आई थिंक, और उसका नाम भी है नवयुगा टनल, नया वाला बना है। और ये भी अभी 24 तारीख को इसका जो उद्घाटन हुआ है। और ये जो टनल है गाइस, इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ है बोलते हैं, मतलब आप कहीं से भी, मतलब इसमें जो है एग्जिट विजिट करने का हो गया। और ये मतलब ये फोर वे है, मतलब एक टनल से एक जाएगा, एक टनल से आएगा। और एक फैसिलिटी भी ये भी है गाइस कि आप कहीं से बीच बीच में, मतलब अगर गलती से आप घुस गए तो मोड़ भी सकते हो मतलब। तो और यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसा टनल में ये फैसिलिटी नहीं है। ये गाइस, ये टनल के वजह से बोलते हैं कि आपका मतलब 4-5 घंटा आपका सेव हो जाता है श्रीनगर पहुँचने के लिए भाया जम्मू टू।